हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहां देखिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो यहां एक चीज आप नोटिस करेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो क्या करने हैं कि पहले हमें इसे रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, उसके बाद हमें सॉल्व करने हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स वन बाय रूट एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे कुछ टर्म से। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं गिवन इक्वेशंस को। गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन जो है 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है 4 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 9 बाय अंडर रूट वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। अब दोनों को पहले हमें कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में। चलिए यहां देखिए, अगर हम एक्स वन बाय रूट एक्स को एज्यूम कर लें पी, ठीक है, लेट वन बाय अंडर रूट एक्स इक्वल टू पी एंड वन बाय अंडर रूट वाई इक्वल टू क्यू, तो गिवन इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, गिवन इक्वेशंस विल बिकम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, विल बिकम, देखिए 2 बाय रूट एक्स है तो 2p हो जाएगा, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1। ये अब देखिए 3 एंड 4, अब क्या करने हैं, देखिए पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, उससे हमें मिल जाएगी p एंड q की वैल्यू। ठीक है, और p एंड q की वैल्यू अगर मिल गई तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और इससे y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हम लिख सकते हैं, p को q के टर्म में लिख लेंगे, 2 माइनस 3 क्यू और p इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 2 क्यू, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब जो हमारी p की वैल्यू है q के टर्म में, उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 4 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p from 5 in equation 4। ठीक है, चलिए तो 4p 4 into 1 minus 3 by 2 q हो जाएगी minus 9q equal to minus 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी 4 minus 6 q minus 9 q equal to minus 1, तो ये हो गई आपको 15q इक्वल टू 5 और यहां से q इक्वल टू 1 बाय 3 मिल गई। चलिए q मिल गई, अब हम अगर q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 5 में तो p की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ q, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ q in equation 5, we get p की वैल्यू मिल जाएगी यहां से p equal to 1 minus 3 by 2 q और q है 1 by 3, 3 cancel, तो 1 minus 1 by 2 means 1 by 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम replace कर देंगे। Now replacing p by 1 by root x
एंड क्यू बाय वन बाय रूट वाई जो हमने एज्यूम किया था. देयरफॉर पी इक्वल टू वन बाय रूट एक्स इक्वल टू वन बाय टू. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू फोर. ठीक है, सिमिलरली क्यू कितनी हो, क्यू इक्वल टू वन बाय रूट वाई और वन बाय रूट वाई ये हमारी है वन बाय थ्री. तो रूट वाई इक्वल टू थ्री और वाई इक्वल टू स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो नाइन. तो सॉल्यूशन हमारे क्या हो गए, एक्स और वाई, हेंस एक्स इक्वल टू फोर एंड वाई इक्वल टू नाइन, यही सॉल्यूशन है. अब देखिए, अगर थोड़ा भी डाउट हो आपको अपने आंसर पर तो आप क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में एक्स एंड वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है एक्स और वाई की वैल्यू, इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है बिल्कुल सही है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर वन पार्ट टू के सॉल्यूशन. बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.